सबसे पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगा इमरान खान जी का, आपने मुझे चूज किया और आज हम आपके आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल की कोर्स के बारे में। जैसे कि आपने बोला कि आपको बेसिक एक्सेल आता है या एक्सेल की बहुत सारी चीजें आती है, तो हम चलिए उसी से शुरू करते हैं कि आखिर एडवांस एक्सेल होता क्या है। एडवांस एक्सेल कोई अलग सॉफ्टवेयर होता है या एक्सेल के कोई अलग फीचर्स होते हैं? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्कुल ये नहीं कहा है कि हाँ दिस ऑप्शंस आर एडवांस, दिस ऑप्शन आर बेसिक। तो बेसिक और एडवांस डिपेंड करती हमारी नॉलेज हमारी यूज के ऊपर। तो आपको हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, वो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि बेसिक और एडवांस होता क्या है। और अभी आपके साथ एक रुपेश जी भी ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा है और यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। अगर मैं 10 को 20 के ऊपर नॉर्मली पेश करता हूँ तो ये आपका 20 रिप्लेस बाय 10 हो जाता है। अब बोले सर ये क्या बता रहे हैं, तो सिंपल सी चीज है, देखिए इसमें आगे देखते जाइए और पता चलेगा आपको। मैं एक काम करता हूं, मैं पेस्ट स्पेशल करता हूं और पेस्ट स्पेशल में यहां ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस मतलब कि कैलकुलेशंस। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया ऐड। अब क्या होगा ना कि 10 20 को रिप्लेस नहीं करेगा, उन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हमारा 30, ये रिजल्ट आई थिंक 200 या 30 जो भी है, मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 आएगा, मतलब 30 आएगा, ये आपका रिजल्ट टेस्ट। मैं एक बार और बताता हूं, मैंने क्या किया कि 10 को कॉपी किया, 30 के ऊपर राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल। इसमें ऑपरेशंस में हमने यहाँ पे मान लीजिए मल्टीप्लाई सिलेक्ट कर लिया, एंड ओके करें तो आप देखिए 300 हो गया। तो अभी अभी आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि कॉपी करके पेस्ट स्पेशल करते समय ऑपरेशंस में अगर ऐड डिवाइड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई सिलेक्ट करते हैं तो जहां से कॉपी होती है और जहां पे पेस्ट होती है उनके बीच में चीजें हो जाती है। ठीक है, ओके सर। लेकिन इसका यूज क्या है, क्या बेनिफिट क्या हो सकता है? अब इस चीज को बेसिक की क्लास में समझ लीजिए, लेकिन जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा। अब देखिए सेम टॉपिक, इस तरह की चीजें कौन पढ़ाएगा, एक ट्रेनर पढ़ाएगा, ठीक है, लेकिन एक वर्किंग प्रोफेशनल जो काम करता है वो इसके यूजेस बताएगा। जैसे कि मैं सबसे पहले बताऊंगा कि अगर मुझे एक्सेल सीट पे परसेंटेज टाइप करना हो तो कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 20 और परसेंट का सिंबल दे दिया, एंटर प्रेस किया, 20% हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट 20 लिख के एंटर मार दिया, फिर सेलेक्ट करके मैं इसको परसेंट करूंगा तो हो जाएगा 2000%, क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है, 1 = 100% होता है। ओके? मतलब कि मुझे बाद में परसेंटेज देना हो जो 0.20 लिख के फिर इसके ऊपर परसेंटेज देंगे तो परसेंटेज आएगा। अब यही पे एक प्रॉब्लम होती थी कि हमारे एक कलीग थे, वो मुझे एक डेटा भेजते थे, तो मुझे उस तरह के डेटा भेजते थे, डेटा है। अब प्रॉब्लम क्या है सर कि ये आपका 63 दिख रहा है सर, 63, बट एक 63 परसेंटेज में नहीं है, नंबर में। अगर मान लीजिए 500 का 63 परसेंटेज निकालना है और आपका नंबर परसेंटेज फॉर्मेट में हुआ तो जस्ट इसको सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय इसको कर देना, ठीक है। लेकिन
63 अगर नंबर में हुआ तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट गलत आएगा, तो हमें क्या करना होगा, अपना फॉर्मूला चेंज करना होगा, तब जाके रिजल्ट आएगा। अब प्रॉब्लम है कि मुझे इसको जहां यूज करना है ना वहां हमारा इस कैलकुलेशन के बिहाफ पे है, और बहुत सारे लोग और भी भेजते हैं, तो मैं अपना फॉर्मूला नहीं चेंज कर सकता। हम चाहते हैं कि हमारी जो यहाँ पे डेटा है ना वो परसेंटेज में हो जाए। अब एक एक करके परसेंटेज करेंगे इस तरह से, तो हमें लग रहा है कि डेटा अगर 10-20 हज़ार हुआ तो बहुत टाइम लग जाएगा और कर भी नहीं पाएंगे। इसके लिए हम सिंपल जो C21 में जो मेथड बताया है ना, इसी मेथड को हम फॉलो करते हैं। हम किसी एक जगह पे 100 टाइप करते हैं। अब इस 100 को कॉपी करते हैं और अपनी पूरी एरिया को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इस पे हम करते हैं डिवाइड। हर नंबर को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, डेसिमल में, और मैं इस पे जाहिर सी बात है कि परसेंटेज लगा दूंगा। समझे सर? यस सर। अब इमरान खान जी एक और एग्जांपल चलिए हम आपके लिए बताते हैं, रुपेश जी तो समझ गए। मान लीजिए कि मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा आया हुआ, देखिए चीजें वही हैं जो आप नॉर्मली सीखेंगे, कोई सिखाएगा, लेकिन उसका यूज जो है ना वो यूज डिपेंड करता है कि आप कैसे उसके इस्तेमाल करते हैं, उसी से आपका एक्सेल के अंदर में नॉलेज पता चलता है। अब जैसे कि मैंने आपके सामने एक छोटा सा डेटा बना दिया, हालांकि डेटा 12 कॉलम का है, लेकिन हो सकता है कि आपके ऑफिस में ये 3 महीने का डेटा हो, या हो सकता है आपके ऑफिस में ये आपको 90 डेज का डेटा हो, या पूरे साल का डेटा हो, डेट वाइज तो लंबा हो सकता है। अब मुझे क्या करना है, इस सब का परसेंटेज अचीवमेंट बताना है, कि सारा जो है एक ही परसेंटेज है सबको, कि 70 सबका टारगेट था, तो अब मुझे इसके साथ इसका टारगेट भी शो करना है। तो मुझे क्या करना है कि एक नया कॉलम ऐड करना है, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल देना है, और इसको डिवाइड वाइज 70 करना है, नीचे की तरफ ड्रैग करना है, देन परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब 90 कॉलन या 300 कॉलन हुए तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 1.5-2 घंटा लग ही जाएगा, क्या रुपेश जी? सर। अब इसी चीज को अगर ट्रिक्स में आते हैं तो आप सॉर्टिंग तो जानते ही है ना, तो मैं आप इसमें लेफ्ट टू राइट सॉर्टिंग करेंगे। जी हाँ, लेकिन सिर्फ सॉर्ट करने से नहीं होगा, इसमें और भी कुछ करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे सर, इसमें नंबर ऐड करके आप आगे भी सेम नंबर टाइप करेंगे और उसे सॉर्ट करेंगे, जिसके बाद एक अल्टरनेटिव कॉलम आ जाएगा। मैं परसेंटेज डाल देता हूं, देख लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, और सेलेक्ट करके हमने क्या किया, सॉर्ट कर दिया, कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऑप्शन पे जाके, जैसे कि बताया अभी इमरान जी ने, लेफ्ट टू राइट करना, हमने सेलेक्ट कर लिया रो 1 के अकॉर्डिंग, इसको सॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने से फायदा क्या हुआ कि हमें एक एक नया कॉलम ऐड हो गया, परसेंटेज लग गया, लेकिन अभी भी मेरा 50% काम हुआ है, 50% अभी बाकी है, सब में 70 से डिवाइड करना, समझे? yes, क्योंकि अभी भी आप डिवाइड यहाँ पे फॉर्मूला लगा के डिवाइड करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे, परसेंटेज सिंबल को कन्वर्ट करेंगे, और इसी चीज को आप रिपीट करेंगे। तो यहाँ एक और तरीका किया जा सकता है, गो टू से सेलेक्ट ब्लैंक करके। जी हाँ, गो टू स्पेशल में ब्लैंक, और यहाँ हम इसको सेलेक्ट करके डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 70, और नॉर्मल एंटर नहीं मारेंगे, नॉर्मल एंटर मारेंगे तो एरिया होगा, इसमें कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, हो गया सर? अब एक और, अभी तो दो जो नॉर्मल एग्जांपल हो गई, अब मैं एक फॉर्मूले का एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है? देखिए 2-3 फॉर्मूले हम आपको बताते हैं। जैसे एक फॉर्मूला होता है रैप्ट का, रैप्ट फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी अक्षर को रिपीट करता है, जैसे मैंने बोला कि इसको 5 टाइम रिपीट कर दे तो ये उसने 5 बार लिख दिया,
एक होता है कि जैसे किसी भी नाम के लास्ट में या बीच में अगर आपने बहुत सारे अनवांटेड स्पेस दे रखा है, उसको रिमूव करता है ट्रिम फॉर्मूला। क्या करता है सर? ट्रिम फॉर्मूला, ठीक है, रिमूव कर दिया ना। और एक होता है सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी एक्सेल के अंदर किसी कैरेक्टर को अनदर कैरेक्टर से रिप्लेस कर दे। जैसे कि मैंने यहां पे लगा दिया सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला, इसको सेलेक्ट किया, हमने बोला कि डॉट को डैश बना दो, ठीक है सर, बन गया। अब मुझे इसी में से तीन लेटर अलग करने हैं तो राइट का फॉर्मूला लगा दो। ये सब फॉर्मूले जैसे मैंने आपको सिखा रहा हूं, उनको टेनर आपको ऐसे सिखाएगा भाई, रैप्ट क्या करता है, ट्रीम क्या करता है, सब्स्टिट्यूट क्या करता है, राइट क्या करता है। लेकिन इन सारे फॉर्मूले की मदद से एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी का नाम लिखा हुआ है, सुजीत कुमार, दिल्ली कुमार IPTIndia.com। अब मुझे इसमें जो लास्ट में जो IPTIndia.com है ना सर, उसको रिमूव करना है। तो अगर फिक्स होता तो आप यहाँ पे राइट का फॉर्मूला लगा लेते ना सर, इसको सेलेक्ट किया, राइट पांच आठ नौ बारह 16 डिजिट हमने लाया कि राइट 16 डिजिट अलग करो, 16 नहीं होगा 18 होगा, तो 18 डिजिट किया अलग हो गया। लेकिन मेल आईडी मान लीजिए नीचे और भी बहुत सारा डेटा है और हर किसी का अलग अलग मेल आईडी, क्या सर? हर किसी का लेंथ, किसी का 18 लेंथ का मेल आईडी है, किसी का 20 का है, किसी का 22 का है, किसी का 100 का है, किसी का 10 का है। तो हर बार जो है मैनुअल 18 के जगह पे 16 20 17 नहीं लिख सकते ना सर। तो कुछ ऐसा हो कि लास्ट स्पेस से वो अलग कर दे। क्या लग रहा है इरफान जी, पॉसिबिलिटी है कुछ? हाँ सर, फाइंड एंड रिप्लेस का फॉर्मूला। तो फाइंड एंड रिप्लेस का फॉर्मूला कैसे लगा सकते, क्योंकि फाइंड का फॉर्मूला रिप्लेस तो लगेगा नहीं, तो फाइंड लगेगा। तो क्योंकि आपके पास फाइंड आपको शुरू में पहला स्पेस बता देगा, पहला स्पेस को एक है, दो है, तीन है, चार है, चौथा स्पेस है, आठवां भी हो सकता है, दसवां भी हो सकता है ना। आपका स्पेस फिक्स नहीं है ना कि कौन कौन सा स्पेस है, लास्ट से। और फाइंड आपका लास्ट से नहीं प्लेस नहीं करता, वो फर्स्ट से करता है। बोलिए ओके सर, समझ में आया कि नहीं? अगर दो नाम होते तो हम फाइंड और लेफ्ट राइट लगा के अलग कर देते, लेकिन मेरे पास पता नहीं कितने नाम हो सकते हैं, समझ रहे ना? पर इतना पता है कि लास्ट अलग करना है। तो इसके लिए VBA प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं, इन STR रिवर्स नाम का फॉर्मूला होता है जो फाइंड के जैसे ही काम करता है। फाइंड फॉर्मूला जैसे आपने बताया, वो क्या करता है कि स्पेस को इसके अंदर ढूंढेगा, ठीक है ना, ढूंढ के बताएगा कि हाँ सातवें नंबर पे स्पेस है, ठीक है। लेकिन इन STR रिवर्स लगाएंगे तो अकाउंट यहां से करेगा और बताएगा कि इस स्पेस का करेक्टर क्या है। लेकिन वो VBA का पार्ट है और VBA भी नहीं कर रहे हैं, एक्सेल से कर सकते हैं। तो जो हमने यहां फॉर्मूला लगाया ना, इसी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैं यहां सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाऊंगा और बोलूंगा कि इसके अंदर स्पेस को हमने बोला रैप। ये मैं थोड़ी देर पहले ही किसी को बताया है इसलिए मैं हंस रहा हूं, क्योंकि वो बहुत हंसा था सर, 99 टाइम में रिप्लेस कर दिया। इसने क्या किया, हर स्पेस के जगह पे 99 स्पेस ऐड कर दिया, दिख रहा है सर? सर अब मैं, अब मुझे 99 हमारा फिक्स हो गया ना,
तो मैं अब क्या करूंगा, राइट से इसमें से 99 लेटर अलग कर दूंगा। अब 99 लेटर अलग किया तो कुछ स्पेस और कुछ करेक्टर होगा, क्योंकि हमें 99 क्यों लिया, आप ज्यादा भी ले सकते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो आखिर कितने मैक्सिमम कितने डिजिट की हो सकती है, 500, 700, 300, 400, 50, 60, क्या एक मैक्सिमम इसमें होगा ना। तो रैप में वही आप डालें तो वो क्या करेगा, स्पेस को उतना गैप कर देगा, फिर राइट से उस सेम काउंट से अलग कर ले तो क्या करेगा कि आपका जो ये है टेक्स्ट है उसके अलावा कुछ स्पेस को अलग कर लेगा। और अभी भी मैंने बताया आपको ट्रिम फार्मूला जो कि नॉन वांटेड स्पेस को रिमूव करता है, और ट्रिम फार्मूला में इसको दे दीजिए, ये आपका एग्जैक्ट ईमेल आईडी बना के दे देगा। हालांकि समझाने के लिए आपको मैंने अलग अलग बताया, बट इसको हम सिंपल सा लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पे ट्रिम एक साथ, ट्रिम में देंगे राइट, राइट के अंदर देंगे सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में इसको सिलेक्ट करेंगे कॉमा स्पेस और देंगे रैप, रैप के अंदर देंगे स्पेस को 99 टाइप, बस सिंपल सा। इसमें एक मेरे एक छोटी सी गलती हो गई, हमने यहाँ पे जो रैप्ट का फॉर्मूला लगाया था ना, ये रैप्ट, ये आपका हो गया ट्रिम, ये हो गया आपका रैप्ट, इसे 99 डालना था। अब कोई सा भी नाम होगा ये अलग कर देगा। तो कहने का मतलब है कि फॉर्मूला तो आप सीख लेंगे, लेकिन ये ट्रिक्स आपको नहीं सीख पाएंगे। ये ट्रिक्स कौन बताएगा, एक वर्किंग प्रोफेशनल जो काम कर रहा है, क्योंकि उसने ऐसी प्रॉब्लम को फेस किया है। ठीक है सर, सर तो हमारी जो क्लासेस होती है उस क्लासेस में आपको हम इसी तरह की चीजें बताते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर हम सिखाएंगे क्या आपको। हालांकि मेरी कोर्स कंटेन का जो पीडीएफ था आप दोनों आदमी को मैंने भेज दिया था, एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, शायद आपने देखा होगा। मेरे पास बेसिकली दो तरह की क्लासेज है, एक जो जून क्लास है जो भी आप ले रहे हैं मंडे टू फ्राइडे तकरीबन 45 मिनट से एक घंटे की क्लासेस होती है डेली बेसिस पे, जिसमें आपको हर एक चीज में खुद समझाऊंगा, आपकी हर प्रॉब्लम को सुनूंगा, एक तरीके समझ में आया दूसरे तरीके समझाऊंगा, तीसरे तरीके समझाऊंगा, नोट्स मिलेगा आपके, कुछ न कुछ डेली काम्स मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, तो कुछ ना कुछ आपको मिलेंगे पहली चीज। तो लेकिन ये आपका एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा, डेली होगा और एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म होगा। आप जल्दी मचाएंगे कि नहीं सर मुझे 10 दिन में करा दीजिए, 15 दिन में करा दीजिए, तो नहीं होगा, क्योंकि एक्सपर्ट लेवल की क्लास है। दूसरा हमारा आता है आपका वीडियो क्लास। तो वीडियो क्लास की हम बात करते हैं, तो वीडियो क्लास मतलब कि आप जो है रिकॉर्डिंग वीडियो देख के, जैसे कि आप बैजू और वेदांता वाली साइट जो होते हैं या फिर अन अकेडमी वगैरह है, उसी तरह की जो वेबसाइट ऐप है हमारे पास, उस ऐप में जाके आप देख सकते हैं। अभी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग। ये आईओएस पे भी अवेलेबल है, बस आईओएस में माई इंस्टीट्यूट के नाम से है आपका। मेरे किसी भी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको दोनों का लिंक मिल जाता है, या वेब एक्सेस के लिए आप यहाँ पे app.iptindia.com डालेंगे तो आपको इसकी वेब वेबसाइट का एक्सेस मिल जाएगा। इसमें मेरे सारे रिकॉर्डेड कोर्स है, और सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स ही नहीं, मान लीजिए गूगल सीट कहीं देखते हैं तो गूगल सीट में सिर्फ क्लासेस नहीं है, इसके कंटेंट में आप देखिए यहाँ पे 24 फाइल भी है, 75 वीडियो एंड 24 फाइल है, सैंपल फाइल है इसके अंदर। जैसे हर जैसे कि यहाँ पे वो इंट्रोडक्शन हुआ है, सैंपल डेटा है, उसी तरह से जिप फोल्डर में आपको सारी सारे फाइल्स मिलेंगे, टेस्ट भी है, आप देखिए आपको टेस्ट भी है, तो हर तरह तरह के टेस्ट भी आपको मिलेंगे। इस तरह से एक चीज आपको एक्सेल पे भी मिलेगी आपको करने का, ये आप एक्सेल का कोर्स लेते हैं तो एक्सेल के कोर्स के अंदर भी आप जाएंगे तो इसके अंदर भी आपको, जैसे देखिए कैश टेम्पलेट का टेम्पलेट में है, उसी तरह फॉर्मूले की हम बात करते हैं तो इसमें तकरीबन देखिए हर फाइल के अंदर इसके अंदर इफ फॉर्मूला है, तो इफ से रिलेटेड, फिर इफ से रिलेटेड टेस्ट है, टेस्ट का सॉल्यूशन भी है यहाँ पे देख सकते हैं, टेस्ट फाइल है हमारा, और नए नए वीडियोज भी अपडेट। देखिए बाय कॉलम बाय रो का नया फॉर्मूला था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है।
तो ये आपको मिलेगा, तो इसको आप ले सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं, नहीं सर गुरु बगैर ज्ञान नहीं होता है, कहावत आप जानते होंगे शायद कि गुरु बगैर ज्ञान नहीं होता है, तो इसलिए मैं जो है आपका लाइव क्लास ही लेना चाहूंगा। तो लाइव क्लास के लिए आपको लाइव क्लास पे आना होगा। लाइव क्लास में मेरी एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला है, वीवी माइक्रो क्लासेस है, एमएस एक्सेस है, कंप्लीट एमआईएस की क्लास। सर वॉइस नहीं आ रही है। हेलो अभी आ रही सर? हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ अभी आ रही है, अभी ब्रेक हो गई थी। सॉरी ओ हेलो। हाँ सर अब आई। एक मिनट देंगे सर, एक कॉल आ रहा है, उसे उठाऊंगा तो कॉल करता ही रहेगा सर। तो ओके कुछ और शोर पिक कर लीजिए, पिक कर लीजिए, पिक कर लीजिए। सॉरी सर, तो आवाज आ रही है सर मेरी आपको? अभी क्लियर है सर। हेलो इरफान जी, रुपेश जी, आवाज आ रही है? यस सर क्लियर है, क्लियर है। तो ये कंप्लीट एमआईएस का है कोर्स है, पावर बीआई की है, डैशबोर्ड की है, तो अलग अलग कोर्सेज है जिसको आप देख सकते हैं, ले सकते हैं कोई अपने हिसाब से लाइव में। तो लाइव में आप रिकॉर्डेड में आप जाते हैं तो आपको कंबाइंड कोर्स मिल जाता है, यहाँ पे देखेंगे इसे ऑल कोर्सेस, इसमें सब कुछ है, एक्सेल, वीवी, एक्सेस, पावर बीआई, टैली, सब कुछ है इसमें, टैबलू। लेकिन आप लाइव में आएंगे तो आपको इंडिविजुअल करना पड़ेगा, ठीक है सर? अगेन आवाज नहीं आ रही, सेम इशू आ रहा है। हेलो इमरान जी, आवाज आ रही मेरी आपको?